हेलो एवरीवन मेरा नाम हेमंत जैन है मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस की ये क्लासेस हम लोगों ने आर एस एम एस के लिए स्टार्ट की हुई है जो कि राजस्थान जे e. की वैकेंसीज़ है ये क्लासेस सिर्फ राजस्थान जे e. के हिसाब से ही नहीं बल्कि सारे एग्ज़ाम्स के हिसाब से जो कि जे e. और एन e. लेवल के एग्ज़ाम है किसी भी तरह के स्टेट के लिए उसके लिए एप्लीकेबल है इन क्लासेस के अंदर हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करते हैं जो इस बार एग्जाम में आ सकते हैं तो अभी आज हमारी क्लास टेन है क्लास टेन के अंदर जो सब्जेक्ट हम लोगों का चल रहा है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स के जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन वो है बैंडिंग एंड शीयर स्ट्रेस इन बीम्स एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं इस टॉपिक से मैं एक बार बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक बार इसका डिटेल सिलेबस बता देता हूं जो कि आपको पढ़ना है है ना सॉल्व uh, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको अपने नोट्स से या स्टैंडर्ड बुक्स से इसको पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो वो जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन ऑफ बैंडिंग एंड शेयर स्ट्रेसेस एजम्पन इन प्योर बैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है हम लोगों ने भी क्वेश्चन लिया हुआ है फ्लेक्जुअल कंडीशन फ्लेक्जुअल रिजिडिटी फ्लेक्जुअल कंडीशन क्यों एम अपन आई इक्वल टू एफ अपन वाईक् टू अपन आर आप सब लोगों को पता है ठीक है ना देन सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक बैंडिंग के बारे में आपको थियोरिकली ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे देन बीम ऑफ कंपोजिट सेक्शन यानी स्टील वुड वगैरह का जो कंपोजिट सेक्शन बना रहे उसके लिए बेंडिंग स्ट्रेसेस वगैरह क्या होंगे देन मॉडुलर ऑफ फ्रपचर सेक्शन मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एंड इट्स प्रॉपर्टीज देन कर्न ऑफ सेक्शन फॉर सर्कुलर होलो रेक्टेंगुलर एंड आई सेक्शन या हमको डेरिवेशन नहीं पड़ने बट उसके रिजल्ट हमको याद होने चाहिए यानी फॉर्मुले देन शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट सेक्शन कौन कौन से सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर सर्कुलर ट्रेंगुलर एंड आई सेक्शन अच्छा इसमें एक टॉपिक शेयर सेंटर भी आता है लेकिन उस टॉपिक को हम बाद में लेंगे इस पर्टिकुलर क्लास टाइम के साथ उस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे ठीक है।, है तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फर्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ प्योर बेंडिंग देखिए यहाँ पे तीन कंडीशन दे रखी है कि प्योर बेंडिंग के केस में क्या क्या चीजें पॉसिबल है पहली चीज दे रखी है बेंडिंग मोमेंट इज जीरो यानी जो पहला ऑप्शन है एम इक्वल टू जीरो बोल रहा है दूसरा बोला शेयर फोर्स इक्वल टू जीरो वी इक्वल टू जीरो की बात कर रहा है तीसरा है यंग्स इज सेम इन कंप्रेशन एंड टेंशन तो तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है क्योंकि ये बेंडिंग बेंडिंग प्योर का एक होता है अब यहां पे तीसरा करेक्ट है तो इसका मतलब सीओ डी में से कोई आंसर बनेगा तो वन एंड टू में से कौन सा करेक्ट है देखिए प्योर बेंडिंग के, के केस के अंदर क्या होता है कि जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो कॉन्स्टेंट होता है जीरो नहीं होता है तो ये पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया जब बेंडिंग मोमेंट कॉन्स्टेंट हो गया तो उसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे लेंथ तो वो क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो होता है तो dm upon dx equal to 0, और ये जो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा शेयर फोर्स को तो वी इक्वल टू जीरो ऑप्शन करेक्ट है तो सेकंड एंड थर्ड यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया देखिए यहां पे भी कर रखा है एम कॉन्स्टेंट है तो डीएम अपॉन डी एक्स जीरो हो गया तो शेयर फोर्स वुड जीरो एंड वन ऑफ द एजम्पन ऑफ प्योर बेंडिंग इज दैट यंग्स मॉडुलस इज सेम इन कंप्रेशन एंड टेंशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू दर्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ स्ट्रेंथिंग कॉन्स्टेंट डेप्थ डी लेंथ एल एंड सिंपली सपोर्टेड एट दूनिफॉर्म लोड इंटेंसिटी ऑफ डब्ल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और ये क्या है सिंपली सपोर्टेड बीम है ठीक है सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये यूनिफॉर्म लोड है इन दैट केस जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है वो बीच के ऊपर होता है क्योंकि पैराहोलिक सेक्शन होगा और मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन स्क्ट यहां पे डब्ल्यू क्या है यूनिट लोड इंटेंसिटी है ठीक है नाउ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्ट और हमको पता है कि simply, हम ये formula जानते हैं ठीक है, है ना जो condition है, तो इक्वल टू ये हो गया एफ इंटू आई अपॉन वाई और आई अपॉन वाई मैक्सिमम क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए तो एम इक्वल टू एफ जेड हो गया तो यहां हमने एफ इंटू जेड रख दिया एफ क्या यहां पे बेंडिंग स्ट्रेस है और हमको फाइंड आउट क्या करना है विथ फाइंड आउट करनी है ओके डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट ना फॉर रेक्टेंगुलर बीम जेड इक्वल टू बी डी स्क्वायर बाई सिक्स ठीक है ना ये हमको पता है क्योंकि आई अपन वाई होता है आई कितना होता है रेक्टेंगुलर के लिए बी डी क्यूब बाई ट्वेल्व होता है और वाई मैक्सिमम जो न्यूट्रल एक्सेस है ये रेक्टेंगुलर बीम है इसकी न्यूट्रल एक्सिस से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो कितनी होगी वाई बाई टू होगी तो यहाँ हम सॉरी डी बाई टू होगी तो यहाँ हम डी बाई टू रख देंगे वाई जो होगा हमारा

एंड टू फिफ्टी एम एम डीप ठीक स्ट्रेंथन बाई स्टील प्लेट एट एम एम थे इस तरीके का सेक्शन हो गया आप इस तरह का समझ लीजिए ये जो है दो सौ पचास एम एम की डेप्थ हो गई यहां से लेके यहां तक ठीक है ये यहां से लेके यहां तक का सेक्शन जो है ये वुडन सेक्शन है उस वुडन सेक्शन की जो विथ दे रखी है बी वो आपको एक सौ बीस दे रखी है और जो थिकनेस ऑफ स्टील प्लेट जो दोनों तरफ लगा रखी है वो आठ आठ एम की आपको दी हुई है ठीक है और जो स्टील प्लेट है उसकी डेप्थ भी दो तो सौ पचास एम एम है ये बोल रहा है कि जो स्टील है उसका जो मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी है वो पंद्रह गुना है ठीक है तो ई एस अपॉन ई डब्ल्यू आपको दे रखा है पंद्रह ऑफ स्टील ठीक है ना स्टील की बात कर रहा है ऑफ स्टील इज फिफ्टीन टाइम दैट ऑफ वुड देन विर्थ ऑफ इक्वलेंट स्टील सेक्शन वुड भी देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं या तो विर्थ ऑफ इक्वलेंट वुडन सेक्शन पूछता या विर्थ ऑफ इक्वलेंट स्टील सेक्शन पूछता जब हम स्टील सेक्शन की बात कर रहे हैं तो फॉर्म फॉर्मूला होगा b अपॉन एम प्लस टू टी और अगर वुडन सेक्शन की बात कर रहे थे तो इक्वलेंट तो विर्थ होती b प्लस एम इंटू टू एम टी मतलब b प्लस टू टी इंटू एम या टू एम टी

प्लस टी uh, जो दे रखा है इनटू आठ तो 120 240 तो ये 360 आता और कंफ्यूज कर, करने के लिए आपको बी और सी दोनों ऑप्शन अवेलेबल है इसलिए ये इस चीज को भूलिएगा मत कि स्टील सेक्शन के लिए पूछा गया है इसलिए चौबीस एमएम हमारा करेक्ट आंसर हुआ सी है ना द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर द डायमीटर ऑफ द कोर ऑफ सॉलिड सर्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर टेन सेंटीमीटर वेयर स्ट्रेस इंड्यूस ड्यू टू नॉर्मल कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ एनी एसेंट्रिसिटी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द कॉलम इज देखिए इसमें सिंपल चीज ये बोल रहा है कि नो टेंशन कंडीशन है जब एक्चुअली जो हम लोगों ने पढ़ा है बेंडिंग का फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या होता P, P by A plus minus M by Z, है प्लस माइनस एम बाई जेड है ना ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है पी बाई ए प्लस माइनस एम बाई जेड और यहाँ पे पी जो है बेसिकली एक्सेल स्ट्रेस एक तरीके से एक्सट्रल लोड है ठीक है तो और एम इक्वल टू पी इन टू यहाँ पे एसेंट्रिसिटी है जब नो no टेंशन की कंडीशन है तो यहाँ पे माइनस साइन हम लेते हैं ठीक जब एसेंट्रिसिटी है तो यहाँ पे इक्वल e सर्कुलर सेक्शन की बात कर रहा है सर्कुलर सेक्शन के लिए जो जेड होता है वो क्या होता होता है पाइडी क्यूब बाई थर्टी टू होता है क्योंकि जो आई होता है वो क्या होता है पाइडी फोर बाई सिक्सटी फोर होता है और जो वाई मैक्सिमम होता है वो डी बाई टू होता है तो इसको जब सोल्व करेंगे तो जेड इक्वल टू पाई डी क्यूब बाई थर्टी टू आ गया

और अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करेंगे सिमिलर टाइप की अगर सारी चीजों को अनचेंज रखेंगे और आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया ये न्यूट्रल एक्सिस है ठीक है अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जिसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो सेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा और वही बेंडिंग के लिए प्रेफर होगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी मोमेंट एफ इन टू जेड होता है हम पहले ही पढ़ चुके हैं एफ बेंडिंग स्ट्रेस जेड सेक्शन मॉडुलस है अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा कब होगा जबकि सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा यानी जेड मोर होगा जेड मोर कब होगा क्योंकि आई अपॉन वाई मैक्स होता है जेड जबकि आई ज्यादा होगा तो फॉर गिवन एनी वैल्यू क्योंकि यहाँ हमने न्यूट्रल एक्सेस से जो डिस्टेंस है वो हमने फिक्स कर दी है यानी डेप्थ है रेक्टेंगुलर सेक्शन की और आई सेक्शन की हमने बराबर कर दी है फॉर गिवन वाई जेड इज मोर देन आई इज मोर राइट अब आई मोर कब होगा जो आ, ये है आई सेक्शन आई सेक्शन में जो आपका एरिया है वो बेसिकली क्या है कि दूर है आपका ठीक है ना यानी न्यूट्रल एक्सिस से ये जो एरिया है ये दूर है इसलिए आई सेक्शन का ऑलवेज जो आई होता है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमिलर टाइप के रेक्टेंगुलर सेक्शन से हमेशा ज्यादा होता है ठीक है ऑल्सो आई इज मोर वेन मोर एरिया इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूट्रल द्यूट्रल एक्सिसके जितना दूर होगा उतना ही ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और फ्लेंज यानी ये जो पोर्शन है ये अकेले ही 80 परसेंट तक बैंडिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट करने में कैपेबल होती है ठीक है एंड दिस इज हैपन इन आई सेक्शन तो आई सेक्शन में ज्यादा आई सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसका जेड ज्यादा है सो इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन आई सेक्शन आर मोर एफिशियंट इन रेस्पेक्ट ऑफ बेंडिंग इसीलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट है अगला क्वेश्चन है

फॉर कैंटीलीवर विद पॉइंट लोड ऑफ W यहाँ पे B ब्रेड है एंड डी डेप्थ है तो M इक्वल टू डब्लू इंटू एक्स फ्री एंड से डिस्टेंस हमने x ले लिए ये दे रहा है ना डिस्टेंस x फ्रॉम द फ्री एंड तो x डिस्टेंस है तो यहाँ पे जो इसका बेंडिंग मोमेंट हो गया डब्ल्यू इंटू एक्स हो गया अगर यही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है यहाँ पे इस तरीके से राइट तो ये यह जो यहां पे W इंटू एक्स लिया है उसकी जगह हम क्या है, लेते हैं डब्ल्यू एक्स स्क्त हम ठीक है ना कैंटिलीवर के केस के अंदर जो बैंडिंग मूवमेंट होगा वो डब्ल्यू एक्स होगा क्योंकि जो ये फिक्स एंड है उसके ऊपर जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो बैंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होता है मैक्सिमम कितना डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू और यहां पे कितना होता है डब्लू इंटू एक्स इक्वल टू एफ जेड जो ये है हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन है ठीक है नहीं दिया होता नहीं तो हम रेक्टेंगुलर सेक्शन ही अज्यूम करते हैं तो बी डी स्क्वायर बाई सिक्स हो गया सारी वैल्यूज को हमने कांस्टेंट रखा तो जो d है डेप्थ है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया एक्स टू दावर हाफ और जो तो विड्थ b वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा अगर हमको d कांस्टेंट लेके चलते तो x के हमसे यहाँ पे पूछा है कि डिस्टेंस सेक्शन एट डिस्टेंस x डेप्थ किसके प्रोपोर्शनल है तो डेप्थ प्रोपोर्शनल हो होगी एक्स की पावर हाफ के तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अगर हमसे पूछता कि विर्थ किसके प्रपोर्शनल है तो वो एक्स के प्रपोर्शनल होता उस केस में आंसर बनता हमारा ए ऑप्शन Okay, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सेवन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर डी कैन बी इंक्रीज बाय देखिए इसका आंसर तो सी है बाय कटिंग पॉइंट वन डी डी फ्रॉम टॉप एंड बॉटम स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन कैन बी इंक्रीज बाय पॉइंट सेवन परसेंट इन बेंडिंग इस तरीके से अगर हम इस पूरे सर्कुलर सेक्शन में से पॉइंट वन वन डी ऊपर और नीचे काट दें तो पूरे सेक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है पॉइंट सेवन परसेंट ओके तो सी ऑप्शन इज करेक्ट टॉप एंड बॉटम दोनों जगह से अगला क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर स्टील बीम 300 हंड्रेड एम एम इंटू फोर हंड्रेड क्रॉस सेक्शन इज यूज ए सिंपली सपोर्टेड बीम ओवर ए स्पैन ऑफ एट मीटर इज सब्जेक्टेड टू ए वेरिंग लोड इंटेंसिटी थ्रू थ्री किलो न्यूटन पर मीटर एट सेंटर जीरो सपोर्ट्स ओके गॉट इट मतलब ये इस तरीके से कह रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है सेंटर पे मैक्सिमम सॉरी बेंडिंग ये लोडिंग है वेरिंग लोड है और वो कितना है मैक्सिमम तीन किलोनीटर पर मीटर है और सपोर्ट्स पे जीरो है इस केस के अंदर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो कितना होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन्ट ट्वेल्व होता है रिमेंबर क्योंकि काम आएगा इसलिए क्या कि सारे चैप्टर इंटरलिंक है अलग अलग नहीं है आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मतलब कितना होगा m अपॉन जेड क्योंकि हम प्रीवियस सारे क्वेश्चन में लेके चलते हैं m इक्वल टू एफ इन टू जेड ठीक है ना तो m यहां पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व हो गया w आपको तीन दे रखा है l आठ दे रखा है सारी वैल्यू रख दी हमने तो ये सिक्सटीन किलो न्यूटन मीटर आ गया ठीक है अब जब हम इसको किलो न्यूटन को न्यूटन और मीटर को एम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ गया सिक्सटीन इंटू टेन न्यूटन एम आ गया ठीक है जेड इक्वल स्क्वायर बाई सिक्स होता है सेक्शन हमको 300 600 दे 300, गए, 600 300, 400, 300 दे रखा तो है यानी हो हो गई गई डेप्थ तीन सौ बाई छो विप्थ होगी चार सौ आपकी डेप्थ होगी ठीक है है दे रखा पे तो ये हमने जब सॉल्व किया तो जेड टू इंटू टेन स्कोयर सिक्स आ गया तो एफ मैक्स में डिवाइड करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यानी बी ऑप्शन ओके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नाइन बेंडिंग स्ट्रेस

तो बेंडिंग स्ट्रेस जो है एफ इट इज प्रोपोर्शनल टू वाई हो गया न्यूट्रल एक्सिस से डेप अगर हम न्यूट्रल एक्सिस पे बात करेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा लेकिन जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस ज्यादा 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 होती जाएगी बेंडिंग बेंडिंग स्ट्रेस होगा तो टॉप फाइबर के ऊपर बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा बट इनफाइनाइट नहीं होगा ठीक है ना इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया ये वाला तो गलत है ही और न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होगा वो भी गलत हो गया न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होगा बट ये पूछा है कि नियर टू न्यूट्रल एक्सिस कितना होगा तो मिनिमम ही होगा ओके okay? तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ठीक है सेम रीजनिंग दी हुई है वाइस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस सो बेंडिंग स्ट्रेस वुड बी जीरो एट न्यूट्रल न्यूट्रल एक्सिस एक्सिस एंड मिनिमम नियर टू अगला क्वेश्चन है इफ इन एन आइडियल कंडीशन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस आर इक्वल फॉर सर्कुलर एंड ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन सर्कुलर और ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन्होंने बोल दिया बराबर है

टो तो एवरेज यानी ठीक है अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर इलेवन ए रेक्टेंगुलर बीम है क्रॉस सेक्शन ऑफ थ्री हंड्रेड एम एम इंटू सिक्स हंड्रेड एम एम दिटेस वुड लाई एट ए डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस ठीक है जो रेक्टेंगुलर बीम के अंदर एवरेज जो मैक्सम शेयर स्ट्रेस होता है वो तो सेंटर पे होता है लेकिन जो एवरेज शेयर स्ट्रेस होता है वो न्यूट्रल एक्सिस से d अपॉन टू रूट थ्री डिस्टेंस के ऊपर होता है d यहाँ पे क्या है डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बीम है और वो कितनी है 600 एम mm. एम तो छसो अपॉन टू रूट थ्री करेंगे तो 173.2 मतलब ये आएगा रूट थ्री इंटू हंड्रेड आएगा और रूट थ्री की वैल्यू कितनी आती है 1.732 पॉइंट आती है तो करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन नियर अबाउट जो आंसर है वो एक सौ तेहत्तर है ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ट्वेल्व ट्रांसफर शेयर अप्लाइड टू ए बीम नॉर्मली रिजल्ट इन नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस बोथ करेक्ट ठीक है ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट थर्टीन नंबर क्वेश्चन अ रेक्टेंगुलर बीम इज सिंपली सपोर्टेड एट द एंड एंड कैरी ए पॉइंट लोड एट मिड स्पैन ठीक है मतलब ये सिंपली सपोर्टेड है और पॉइंट लोड का है यहां सेंटर पे है ठीक है

दूसरे केस में जब शेयर स्ट्रेस की बात करेंगे तो ये दो दे रखा है अपॉन होता है एक्चुअली थ्री बाई टू ऑफ टॉ एवरेज होता है और टॉ एवरेज क्या क्या होता है S B, D, S है अपॉन पे शेयर फोर्स जो कि इस केस के अंदर कितना हो जाएगा होगा तो ये सारी वैल्यूज रख दी वन एंड टू को जब डिवाइड किया हमने तो ये आ गया हमारे पास तो डी अपॉन एल कितना जाएगा दो बटा पांच यानी पॉइंट फोर बी ऑप्शन समझ में आ रहा है ना इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे देन अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन फोर्टीन इफ ए बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए वर्टिकल शेयर फोर्स वी द शेयर फोर्स कैरिड बाई द मिडिल वन थर्ड ऑफ द क्रॉस सेक्शन वुड बी देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज बताता हूं आप फॉर्मुले ध्यान रखेंगे ज्यादा अच्छा है इसका डेरिवेशन भी है वैसे डेरिवेशन से जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ फाइंड आउट करते हैं हम ठीक है ना बट फॉर्मुले ध्यान रखिए डायरेक्टली क्योंकि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डेरिवेशन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपर वन थर्ड का ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में ओके okay? अभी मैं बात कर रहा हूँ मिडिल वन थर्ड में शेयर फोर्स कितना होगा देखिए एक बीम को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया कौन कौन से ऊपर का एक तिहाई पार्ट नीचे का एक तिहाई और बीच का एक तिहाई टोटल बीम हो गई ठीक है जो ऊपर का एक त्य पार्ट होता है और नीचे का एक यानी बॉटम और अपर वन थर्ड दोनों में जो शेयर फोर्स होता है वो सेवन वी बाई ट्वेंटी सेवन होता है ठीक है शेयर फोर्स कितना होता है सेवन वी बाई ट्वेंटी सेवन अगर पूरे बीम में वर्टिकल शेयर फोर्स वी है तो दोनों पोर्शन में जो शेयर फोर्स लगेगा वो सेवन वी बाई ट्वेंटी सेवन तो मिडिल में कितना बचा है टोटल सेवन इन दोनों को घटा देते वी माइनस टू इंटू सेवन वी बाई सेवन यानी थर्टीन वी बाई ट्वेंटी सेवन तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया सी ऑप्शन मतलब जैसे रेक्टेंगुलर के लिए इस तरह का हम शेयर डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं ठीक है शीर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तो, तो ये बीच वाला वन थर्ड हो गया यहां से न्यूट्रल जा रही है तो बीच वाला होगा तो बीच वाले वन थर्ड में कितना शेयर फोर्स होगा वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं अब यहां पे अपर शेयर फोर्स की कोई वैल्यू दे देता है न्यूमरिकल वैल्यू तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि अपर वन थर्ड में कितना होगा लोअर वन थर्ड में और मिडिल वन थर्ड में बट ये फॉर्मूले जो सेवन वी बाई ट्वेंटी सेवन है या थर्टीन वी बाई डेरिवेशन से वी कैन फाइंड कोई इशू नहीं है, है. लेकिन, है, है क्यों करेंगे? तो हमको याद होने चाहिए ठीक है बीम ऑफ ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ हाइट एच विद इट्स वर्टेक्स अपवर्ड अकर्स एट अब, अब मतलब अपवर्ड अकर्स मतलब कि इसका ये ट्राइंग सेक्शन ऐसे है यानी उसका जो वर्टेक्स है ऊपर की तरफ है तो जब ट्राइंगर सेक्शन की बात करते हैं जो उसका न्यूट्रल एक्सिस होता है वो बॉटम से अगर उसकी डेप्थ एच है पूरे सेक्शन की तो न्यूट्रल एक्सिस है वो बॉटम से एच बाई टू डिस्टेंस के ऊपर होती है ठीक है ना और जो आपका मैक्सिमम शेयर जो आ, हाइट ऑफ ट्राइंगुलर सेक्शन है वो एच हमको पता ही है ठीक है ना और जो न्यूट्रल uh, एक्सेस से हमसे पूछा गया है कि न्यूट्रल एक्सेस से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितनी डिस्टेंस के ऊपर लाइक करेगा ठीक है ना तो हमको पता है कि जो इसका न्यूट्रल है 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 वो डिस्टेंस के ऊपर ठीक मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है वो एच बाई ट के ऊपर है बेस से तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी न्यूट्रल एक्सेस से और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के बीच की तो एच बाई टू माइनस एच वाई थ्री ठीक है ना एच बाई टू सॉरी इधर आएगा ठीक है एच बाई ट्री हो जाएगा ये एच वाई टू माइनस एच वाई थ्री यानी एच वाई सिक्स आंसर आ जाएगा समझ रहे हो आप एक न्यूट्रल एक्सिस से जो आपका शेयर स्ट्रेस है वो एच वाई टू पर है बे, बेस से देखिए ये मैं आपको ऐसे बता देता हूं दोबारा देख लेते हैं इसको ये ट्राइंगर सेक्शन है ये इसका बेस ये इसका न्यूट्रल एक्सेस ठीक है थिके? ये बेस है जो बेस से न्यूट्रल एक्सेस की हाइट है वो है एच वाई थ्री बेस से जो शेयर स्ट्रेस की हाइट है वो कितनी है यहां से लेके यहां तक एच वाई टू

न्यूट्रल एक्सिस वुड बी ये इसने पूछा है इफ डेप्थ ऑफ वेब इज 300 एमएम देन शेयर डिस्ट्रीब्यूशन एट इन इन्फ्लुएंस एट 150 एमएम फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस वुड बी यानी फ्लेंज 150 एमएम mm, फ्लेंज के अंदर कितना होगा ठीक है ना समझ रहा आप इस क्वेश्चन को देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ ये आई सेक्शन है ठीक है ओवरऑल डेप्थ यहां से लेके यहां तक ये यह कितना दे रखा है चार सौ एमएम जिसको मैंने क्या ले लिया डी ठीक है डी इक्वल टू चार सौ रखी है वो दो सौ एमएम दे रखी है यानी ये वाली ठीक है ये दो सौ दे दिया डी जो दे रखा है वो है तीन सौ एमएम डेप्थ ऑफ वेब दो दे रखी है यहां से लेके यहां तक हमको तीन सौ एमएम दे रखी है ठीक है कहीं से न्यूट्रल एक्सिस जा रही होगी बीच में से ठीक है अब ये पूछ रहा है कि आपको फ्लेंज के अंदर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा और वो डैप दे रखी न्यूट्रल एक्सिस सौ पचास एम एम यानी यहां से लेके यहां तक की इसका मतलब जो जॉइंट हो गया है वेब और फ्लेंज का उसकी बात करी, करी जा रही है और फ्लेंज के अंदर की बात पूछी जा रही है ठीक तो तो है देखिये वहन वाईल टू डी बाई टू इक्वल टू एक सौ पचास एम एम ठीक है यानी जो न्यूट्रल एक्सिस से वो हो सौ वो 150 एम mm हो गई है और एक सौ पचास को टच कर गए तो शेयर फ्लेंज कितना हो जाएगा? S 8i हमको पता है अगर इसी में हम फ्लेंज को टच नहीं करते हम वेब की बात करते तो डेफिनेटली फॉर्मूला डिफरेंट होता है तो ये देखिए बोल रहे हैं जस्ट अब दी जंक्शन ऑफ वेब एंड फ्लेंज यानी ये जो जंक्शन है इससे जस्ट ऊपर ठीक है बिल्कुल मामूली यहाँ पे डी की वैल्यू दे रखी है स्मॉल डी की वैल्यू है सारी वैल्यूज तो ऑप्शन करेक्ट हो गया अब समझ रहे कि कैसे किया हमने हमको करने के लिए इसको सबसे पहली बात है कि हमको दो फॉर्मूले पता होना चाहिए कि फ्लेंच के अंदर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वेब के अंदर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जब इन्होंने क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज में क्या दिया है एट 150 फिफ्टी एम एम फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस ठीक है ना इसका मतलब जस्ट जंक्शन से ऊपर की बात कर रहा है जबकि हम फ्लेंज तो के अंदर पहुंच गए तो फ्लेंज के अंदर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने लगा दिया टॉ इक्वल टू एस अपॉन डी दीस, डी 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 स्क्वायर स्क्वायर माइनस कैपिटल स्मॉल की हमको वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर तो हम फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है तो ये आज की क्लास ओवर हो गई है इसमें हमने बैंडिंग एंड शेयर बारे में बात कर लिया नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कॉलम एंड सिलेंडर की बात करेंगे ठीक है उसके साथ एक दो छोटे मोटे टॉपिक और लेंगे और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शेयर सेंटर इस टॉपिक में हमने कवर नहीं किया है वो आगे के टॉपिक में कवर होगा जिसमें हम बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी कवर करेंगे ठीक है मेरे ख्याल में दो क्लासेज और बची है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की देन उसके बाद हम स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करेंगे ओके सो so, इसका पीडीएफ सेक्शन में अटैच है डिस्क्रिप्शन के साथ आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते ओके थैंक यू